The rumors of Salman Khan being in Dhoom 4 is out and Ranbir Kapoor is in. Let's have a look at the complete story. खबरों की माने तो फिल्म धूम 4 से सलमान खान ने अपना नाम वापस ले लिया है और इसकी वजह अभिषेक बच्चन को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभिषेक की वजह से सलमान इस फिल्म को साइन नहीं करना चाहते और अब इस सीरीज के लिए शाहरुख खान और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स का नाम सामने आ रहा है। सलमान खान इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ धूम फ्रेंचाइज। आई मीन एंड उसके पीछे जो रीजन है, इट्स 6 feet 2 inches टॉल। He did his research, right? Yeah. So, and us reason ka ek naam bhi hai. Abhishek Bachchan. Exactly. If rumors are to be believed, Salman Khan Dhoom 4 mein sirf isliye nahi hai, kyunki unka aisa kehna hai, dekho, main Abhishek Bachchan ke saath same screen nahi share karne wala. Right, and I'm kind of surprised. Not surprised also, the fact ki Abhishek Bachchan, I mean, filmmakers ne ek bar bhi ye nahi katrai ki, shouldn't be Abhishek Bachchan or Salman Khan. Obviously, Abhishek Bachchan is one of the most core and important part of the movie. I mean, from Dhoom 1, टिल धूम 3, किसने पकड़ा जॉन इब्राहिम को, किसने पकड़ा ऋतिक रोशन को, किसने पकड़ा आमिर खान को, अभिषेक बच्चन, राइट? इट्स गया एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि अभिषेक बच्चन जो बाकी मूवीज में इतना कमाल नहीं दिखा पाए, दैट्स वन फ्रेंचाइज जिसमें थोड़ी इनकम्प्लीट लगेगी इफ ही वाज़न्ट पार्ट ऑफ इट, बट नाउ इट्स टू सी इफ सलमान खान इज नॉट देयर, रणबीर कपूर कुड बी इन द नेक्स्ट वन। एंड इट्स नॉट ओनली रणबीर कपूर जिनका नाम स्पेक्युलेट किया जा रहा है, अर्लियर इट वॉज रणवीर सिंह कहा जा रहा था जो कि अभी भी लिस्ट में है, देन शाहरुख खान द किंग खान ऑफ बॉलीवुड उनका नाम लिया जा रहा है, बट आफ्टर संजू रणबीर कपूर इज इन द लाइमलाइट एंड ऑब्वियसली वो यशराज के साथ एक मूवी ब्रह्मास्त्र कर ही रहे हैं, सो इसलिए भी उन्हें कंसिडर किया जा रहा है। सो सलमान खान का मूवी छोड़ना किसके लिए फायदेमंद साबित होगा? विल इट बी शाहरुख खान, विल इट बी रणबीर कपूर, विल इट बी रणवीर सिंह? व्हाट डू यू थिंक? Time will tell. I wish I could tell who to take and I had a say in it, but I don't. So I think we'll just have to wait and watch who will be this biggest contender for the Dhoom 4 franchise, because that is something to watch out for.